रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है फिट होंगे, खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो सॉफ्टवेयर के ऊपर है कि अक्सर लोगों को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कह लें जैसे टॉरेंट की ज़रूरत पड़ जाती है या अवास्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कह लें एंटीवायरसेस हैं उनके ऊपर, या अडोब की, अडोब फोटोशॉप वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो सॉफ्टवेयर हैं, और ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बारे में सब लोग ही जानते हैं, बल्कि बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, उनके रिलेटेड ये वीडियो है कि ये आप लोगों को कहाँ से मिलती हैं, कौन सी वेबसाइट से फ्री मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो हमारे फ्री वाले सॉफ्टवेयर हैं, हमने उनको कहाँ से लेना है, हमने वो कहाँ से हासिल करना है और उनको यूज़ किस तरह से करना है, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा आज। खासकर इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा वो वेबसाइट्स कौन सी हैं, और उनके लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, के जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप अपने पसंद का जो सॉफ्टवेयर है आप उसको उठा सकते हैं, आप वहाँ से जाके टॉरेंट ले सकते हैं, आप वहाँ जाके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं वो उठा सकते हैं, आप वहाँ से ऑफिस जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको फ्री वर्जन यहाँ से मिल जाएंगे इन वेबसाइट्स के ऊपर से। ठीक है, और फिर से अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, आपका फ़ायदा होता रहे, आपको अच्छी अच्छी जो कंटेंट अच्छा मेरी तरह से आपको मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें अच्छे वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं और फ्री में मिलेंगे, कोई उसका हमें पे नहीं करना पड़ता, कोई और को मसला नहीं होता, हमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और उनको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से करना है। जी तो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें अपने मर्ज़ी के अच्छे वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो मिल सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए, अपनी नीड के लिए, काम के लिए हो या पर्सनल यूज़ के लिए हो। तो वेबसाइट क्या है जी, वेबसाइट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक का नाम है जी फाइल हिपो। ठीक है, FILEHIPPO, फाइल हिपो, FileHippo.com इस वेबसाइट का नाम है। ठीक है, आप इस वेबसाइट को जब ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये देखें, ये इस तरह से खुल जाती है। अब यहाँ एक जो चीज़ है ये आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कि आपको जो सा सॉफ्टवेयर चाहिए आप उसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद वो आपके सामने आएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मीन्स मैं आपको कहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं अडोब फोटोशॉप या अडोब रीडर कह लेते हैं। ठीक है, अडोब रीडर, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये देखें, अडोब एक्रोबैट रीडर DC फ्री वाला आपके सामने आ रहा है, फ्री। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन है, अडोब रीडर ये है, ये अडोब की तरफ से था, ये Shark 007 की तरफ से है, PDF व्यूअर है। ठीक है, ये भी है, रीड कमेंट साइन एंड प्रिंट PDF डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्री, ये आपके सामने आ गए हैं। एक ये नाइट्रो प्रो, नाइट्रो PDF रीडर है, ये भी फ्री वाला है, फ्री PDF मैनिपुलेशन टूल है, और बल्कि मैं तो वैसे यूज़ यही करता हूँ जो नाइट्रो प्रो है ना, तो ये वाला कर रहा होता हूँ। तो ये वेबसाइट है जहाँ से आप इजीली आके तो अपनी पसंद का सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप उसको यहाँ से डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे आप डाउनलोड कर लेंगे। एक तो वेबसाइट होगी ये FileHippo.com, हर तरह का आप अपनी मर्ज़ी का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें और उसको जिस तरह से चाहे मर्ज़ी यूज़ करें। एक और है वेबसाइट CNET के नाम से, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जो तो पहले यूज़ करते हैं उनको तो पता है कि CNET क्या है या FileHippo क्या है। तो CNET तो काफ़ी जो है पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत लोग इसको यूज़ भी करते होते हैं, और ये CNET आई थिंक कोई और खुल गई है, सॉफ्टवेयर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं Adobe Reader फ्री डाउनलोड। ठीक है, इस पर हम आ गए, अब गैट, ये तो Adobe वाली आ गई वेबसाइट। ठीक है, ये आ गई FileHippo.com आपके सामने है, देखें फ्री PDF रीडर, ये सॉफ्टोनिक, हाँ ये वेबसाइट में बताना भूल गया था, सॉफ्टोनिक ये भी बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। हाँ, ये download.cnet.com, ये CNET जी मैं आपको बता रहा था वेबसाइट, ये उसके बारे में आ गई। वेबसाइट का नाम क्या है, download.cnet.com, इन्होंने शायद नेम चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे भी हर तरह के जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको ईजीली मिल सकते हैं। ये देखें विंडोज़ के रिलेटेड, ये मोस्ट पॉपुलर न्यू रिलीजेज, ये डेस्कटॉप एनहांसमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये मैक के रिलेटेड जो हैं वेबसाइट, iOS के रिलेटेड हैं, एंड्रॉयड के रिलेटेड हैं, यानी कि हर किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके रिलेटेड इस पे है। इसका वेबसाइट का नाम है download.cnet.com। और जो तीसरी वेबसाइट है वो कौन सी है, सॉफ्टोनिक, हम अब इस पर भी आ जाते हैं, इस पर भी आपको मैं दिखाता हूँ, EN.Softonic.com,
ठीक है, इस पर भी आपको हर तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो मिल जाते हैं। ये अब टॉप डाउनलोड जो हैं ड्राइवर बूस्टर फ्री, यू टॉरेंट, गूगल क्रोम और अडोब रीडर, ये अडोब फ्लैश प्लेयर, शेयर इट, हर तरह के ये एंड्रॉयड के ये खड़े हैं, ये आपके सामने हैं। यहाँ आपके पास मैक के हैं और ये आईफोन का है, तो ये आईफोन के रिलेटेड हैं, मैक के, एंड्रॉयड के, विंडोज़ के। इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च करके, यानी कि अभी तो अडोब को खोला था, अडोब का ही सर्च कर लेते हैं, अडोब रीडर, सॉरी स्पेलिंग गलत होगा, रीडर, ठीक है, इसको हम सर्च कर लेते हैं। और सर्च करने के बाद हमारे पास ये जो निकल आया इसका रिजल्ट्स जो आ गए सर्च के, ये देखें, फ्री डाउनलोड है अडोब रीडर, अडोब रीडर डीसी, नीचे अडोब रीडर टच फॉर विंडोज़ 10, यानी कि अब यहाँ पे ये सारी डिटेल आएंगे। नाइट्रो प्रो, नाइट्रो यहाँ पे भी आ गया, ये भी पीडीएफ व्यूअर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा ये पीडीएफ व्यूअर है नाइट्रो प्रो, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ, अडोब नहीं करता मैं वैसे, अडोब की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन दूसरा जो है इसकी मैं अच्छी खासी, ये अडोब रीडर और नाइट्रो प्रो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई है, मैंने आपको ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं, मैंने वेबसाइट्स का आपको बताया, एक तो ये है filehippo.com, बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, यहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपनी मर्ज़ी का वो आके ढूंढ सकते हैं और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमने सर्च किया था, और इसके अलावा ये पॉपुलर यहाँ पे बता रहे होते हैं जो पॉपुलर डाउनलोड्स होती हैं, जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये वो पॉपुलर डाउनलोड्स हैं। मोज़िला फायरफॉक्स है, फ्री यूट्यूब डाउनलोडर है, ठीक है, AVG उसका है, BitTorrent है, और VLC मीडिया प्लेयर है। इसके अलावा कैटेगरीज होती हैं कि आप ब्राउज़र्स ढूंढना चाह रहे हैं, आपने डाउनलोड करना है ब्राउज़र्स, तो यहाँ ब्राउज़र्स का ऑप्शन है कि ये ब्राउज़र्स हैं जी, ये आप निकाल लें। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है, डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशन हैं यहाँ पे वो आएंगी। गेम्स, यहाँ पे आपको गेम्स भी मिलेंगी। लेजर है, पर्सनलाइजेशन है, सोशल एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन वगैरह के रिलेटेड है, ऑफिस एंड न्यूज़ के रिलेटेड है, लर्निंग है, फाइल शेयरिंग, मल्टी मीडिया, सिक्योरिटी एंड VPN, सिस्टम ट्यूनिंग एंड यूटिलिटीज़, हर तरह की चीज़ों के रिलेटेड ये आपको कैटेगरी यहीं पे दिखाता है जब आप इसको ओपन करते हैं filehippo.com, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स ये सामने देता है कि आपको किस चीज़ के, आप कैटेगरी कौन सी में जाके सॉफ्टवेयर ढूंढना चाह रहे हैं। तो आप यहीं से ओपन करके, मैं ब्राउज़र्स को अगर ओपन करूँ तो ब्राउज़र्स ओपन करने के बाद ये मुझे, ये देखें, अवास्ट सिक्योर ब्राउज़र फॉर विंडोज़, गूगल क्रोम, उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स है, AVG सिक्योर ब्राउज़र, ओपेरा, गूगल क्रोम फॉर वर्क 64-bit का आ गया, मोज़िला फायरफॉक्स 64-bit, UC ब्राउज़र, इसके बाद सफारी, ये वैसे एप्पल का है, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, iOS का है ये स्पेशल। इसके बाद टॉर्च ब्राउज़र है, गूगल क्रोम फॉर 32-bit है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, आगे ये पेजेस और भी हैं, इन पे भी आ जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट कैटेगरी में जाके भी अपनी जो पसंद का सॉफ्टवेयर है, जो आपको ज़रूरत है, जिसकी, आप वो निकाल सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टोनिक पे भी सेम तरीक़ेकार होगा कि आप यहाँ पे भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और इजीली जो अपना है वो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, गेम्स नीचे आई खड़ी हैं, अगर आप यहाँ से को करना चाह रहे हैं। उसके बाद कैटेगरीज आ गई, विंडोज़ की कैटेगरीज़ में ये देखें, ब्राउज़र्स हैं, आप अगर आप CL करना चाहते हैं आप CL करके देख सकते हैं, ये ज़रा इन्होंने क्लियर करके दिखाया हुआ है, और ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के रिलेटेड है, बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी है, इंटरनेट एंड नेटवर्क का है, ठीक है। इसके बाद मल्टी मीडिया, डेवलपमेंट एंड IT, एजुकेशन रेफरेंसेज, यानी कि यहाँ आपको हर तरह की कैटेगरी के सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्री में मिलते हैं, सॉफ्टोनिक हो, चाहे आपकी filehippo.com हो या cnet.com हो, ठीक है। इनके मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप लोगों को इजीली जो है आप ये वेबसाइट्स खोल सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा, और आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह जी, इजाज़त दें मुझे, अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।